एक मिनी छोटा टोमेटो ले लेते हैं, इधर देखो ठीक है, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं हम। जैसे कि हमने दिखाया है, फिर हम लेंगे ब्रेड को कट कर लेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे अपना इधर आ जाइए, हल्का हल्का नमक लगाओ, एक लेयर सैंडविच सॉस स्वाद के अनुसार। ओके, फिर इस लेयर को हटाओ, फिर हम लगाएंगे दूसरा सैंडविच जो बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं, आप घर पे बना के खिलाओ बच्चों को, देखो कैसे फिनिश कर देंगे। तीन लेयर हो गई है हमारी, जैसे कि उसके बाद में हम लगाते हैं एक टोमेटो, ये देखिए किस तरीके से मैं इसको सजा लूँ। उसके बाद में हम अपनी दूसरी लेयर लगा लेंगे, वो सजा लेंगे, बाकी बची लेयर को हम इसके ऊपर रख देंगे। उसके बाद में हम इसको कट कर देंगे, क्योंकि हमें बड़े सैंडविच नहीं बनाने, हमें बनाने मिनी सैंडविच। आप इस तरीके से बनाओगे गाइस, सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से खाएंगे और वेस्ट भी नहीं होगा। ये देखिए, पहले थोड़ा मसाला लगाइए, गैस ऑन कर लीजिए और फिर छोटे छोटे मिनी सैंडविच इनके ऊपर रख दीजिए। कोई भी बच्चा छोटे छोटी चीज़ों को देखते हैं तो उसका तुरंत मन करना है खाने का, मन करता है, तो इसके ऊपर ध्यान रखते हैं। उसके बाद कितना अच्छा कलर आया, मैंने गैस पहले से ही ऑन कर रखी थी। उसकी लेयर जम गई है, देखो अच्छी तरह आ गई है हमारी। इसके अंदर हल्का सा जो है बटर लगाएंगे, बटर जो है बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, तो आप भी अपने घर पे बनाए और सबको खिलाए, क्योंकि मिनी सैंडविच सबको बहुत पसंद आते हैं। इन तरीके से बनाओगे तो बच्चे जब से खाने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो हमारे सैंडविच बनकर रेडी हो गए हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये देखिए गाइस, बहुत ज्यादा स्टफी है, अच्छे से लेयर दिख रही है, ऐसे दिखने चाहिए बच्चों को, अच्छा पका हुआ होना चाहिए, वाइट दिखते हैं तो बच्चे खाते नहीं हैं, चीज खाने में भी अच्छी होनी चाहिए और दिखने में भी। तो गाइस ये हमारे मिनी सैंडविच, आप भी खाइए और बच्चों को भी खिलाइए, ये हेल्दी है, अपने घर के बने हुए हैं, बाहर पता नहीं क्या मिलता है क्या नहीं, इसलिए गाइस लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।